दोस्तों नमस्कार। आज हम एसिडिटी के बारे में बात करेंगे। एसिडिटी एक ऐसा रोग है जिससे हर व्यक्ति कभी ना कभी परेशान हो चुका होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें एसिडिटी बहुत ज़्यादा तंग करती है और वो समझते हैं कि इससे बड़ा कोई दुनिया में कोई दूसरा रोग नहीं है। एसिडिटी के अंदर खट्टी डकारें आती हैं, पेट खराब हो जाता है, पेट में दर्द होता है, सीने में जलन होती है। कुछ लोगों को एसिडिटी की वजह से कब्ज हो जाती है। कुछ लोगों को दिन में 3-4 बार लेटरिन के लिए जाना पड़ता है। होम्योपैथी में एसिडिटी के लिए 3 दवाएं बहुत ही कारगर हैं, जिनमें पहली है कार्बोवेज, जिसके अंदर पेट का ऊपरी हिस्सा फूल जाता है, रोगी को खट्टी डकारें आती हैं फिर भी उसे कोई चैन नहीं पड़ता है, जिसमें कार्बोवेज लेने से बहुत जल्दी आराम पड़ता है। दूसरी दवाई है लाइकोपोडियम। यदि व्यक्ति को गैस बहुत ज़्यादा पास हो रही है फिर भी चैन नहीं पड़ता है, ऐसे व्यक्तियों के लिए लाइकोपोडियम बहुत ही कारगर दवाई है। यदि रोगी का पूरा पेट फूला हुआ हो, डकारे आने से या गैस पास होने से भी उसे आराम नहीं पड़ता है, तो इसमें सिंकोना नाम की दवाई बहुत ही अच्छा काम करती है और इसकी कुछ खुराक लेने से ही रोगी ठीक हो जाता है। इसके अतिरिक्त भी बहुत दवाइयाँ हैं जो एसिडिटी में काम करती हैं, जैसे रोबीनिया, आयरिस वर्सिकोलन, एसाफेटिडा आदि। यदि रोगी को एसिडिटी पक्का खाना खाने से, पूड़ी परांठे छोले भटूरे समोसे खाने से अगर एसिडिटी हो जाए, तो उसके अंदर पल्सेटिला नाम की दवाई बहुत अच्छा काम करती है। जो लोग शराब का अधिक सेवन करते हैं, मिर्च मसाले भी ज़्यादा खाते हैं और उनको यदि एसिडिटी की शिकायत ज़्यादा रहती है, तो उनके लिए नक्समिका दवाई बहुत अच्छा काम करती है। ये कुछ एक दवाइयाँ हैं जिनसे आप एसिडिटी से छुटकारा पा सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत दवाइयाँ हैं जो एसिडिटी में बहुत कारगर हैं। इसके अतिरिक्त होम्योपैथी में कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट भी चलता है। यदि इन दवाओं से काम ना चले तो फिर उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट की जाती है, जिससे रोगी को एसिडिटी से छुटकारा मिल जाता है। धन्यवाद दोस्तों।